मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। लघु उद्योग भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए पिछले 27 वर्षों से कार्यरत एकमेव अखिल भारतीय संस्था है। इस संस्था ने 3 वर्ष पूर्व ग्राम शिल्पी प्रकोष्ठ के नाम से गांव के में पारंपरिक घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प, ग्राम शिल्प, कुटीर उद्योग, महिला उद्योग इत्यादि को कौशल विकास और खरीद बिक्री में मदद करने हेतु गठन किया। इसमें हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव से गांव-गांव जाकर आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उन्हें जागरूक करते हुए यथासंभव मदद करने का वादा किया, जिसमें छोटे छोटे उत्पाद करने वाले लोगों को, महिला उद्यमियों को उनके बने उत्पाद को बेचने का मौका मिले और शहरी लोगों को भारत की पारंपरिक कला और देखने का अवसर प्राप्त हो। इसी संकल्प के साथ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत एवं लोकल को वोकल बनाने के विचार को मूल आधार मानते हुए साथ में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक प्रदर्शनी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार MSME विकास संस्थान इंदौर के सहयोग से स्वयं सिद्धा दीपोत्सव प्रदर्शनी के नाम से दिनांक 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2021 तक भोपाल हाट में आयोजित किया जा रहा है। क्या मुख्य आयोजन क्या है? मुख्य आयोजन जैसा कि नाम से ही अधिकतर वही लोग हैं और इसमें शिल्पकार भी आ रहे हैं और उनका पूरा फ्री है, सारी स्टॉल्स फ्री हैं। इसमें जो बनाने वाले हैं वही, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वही लोगों की स्टॉल फ्री है। इसमें ट्रेडर्स नहीं, मतलब जो स्वयं बनाने वाले हैं उनको, उन्हीं के लिए व्यवस्था की गई है। और आप इस प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण रहेंगे प्रशिक्षण है, 5 दिन अलग अलग प्रशिक्षण है, जिसमें हमने स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया है, जिससे आने वाले समय में उन्हें अगर कोई कला अच्छी लगती है तो वो उस कला को, उस हुनर को अपना करके आगे अपने जीवन में प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और 11 बच्चे और महिलाएँ जो समाज से पीड़ित थी और उनको भी हम लोगों ने मौका दिया है, और जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों, उनके स्टॉल्स भी लगे हैं और वो प्रशिक्षण भी लेंगी। इसके अलावा रोज हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो अलग अलग हैं, उसमें भी कोशिश की गई है कि वो सारे कार्यक्रमों से हमारा भारत दर्शन हो, जैसे भारत की परंपरा और उससे लोगों को समझ में आए, रूबरू हों उससे। प्रशिक्षण के पीछे भी यही है कि जो आज के बच्चे जॉब जॉब नौकरी नौकरी ये शब्द आपको सुनने को मिलता है, नौकरी को लोग बहुत अच्छा भी मानते हैं, अरे मेरे बच्चे की वहाँ नौकरी लग गई, इन सब चीज़ों से दूर करके हमें अब ये, अरे हमारे बच्चे ने ये बिजनेस शुरू किया है या हमारा बच्चा अब ये काम करता है, ये जिस दिन हमारे घर घर में आवाज़ आने लगेगी तो समझिए कि लघु उद्योग भारती का जो मकसद है वो पूरा। अध्यक्ष मध्य भारत, क्या उद्देश्य आज प्रेस वार्ता करवाने के? ये हम लोग भोपाल हाट में प्रदर्शनी स्वयं सिद्धा दीपोत्सव प्रदर्शनी के नाम से हम लोग प्रदर्शनी लगा रहे हैं। 23 तारीख से 27 तारीख तक की ये प्रदर्शनी है, दीपावली का उत्सव है एक तरह से। और इसमें खासकर जो महिलाएं जो घर से काम करती है, बहुत छोटे स्केल पे काम करती है, उनके लिए हम लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई है। और जो शिल्पकार हैं जिनको मार्केट के लिए जगह नहीं मिलती है, तो इन महिलाओं के लिए और शिल्पकारों के लिए फ्री में हमने स्टॉल्स प्रोवाइड किए हैं, पूरा अरेंजमेंट फ्री में उनके लिए है, और ताकि वो अपना माल वहाँ बेच सके, उनको मार्केट मिल सके और वो आगे बढ़ सके। तो भारत का 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये आयोजन किया हुआ है। कहाँ पर हो रहा है आयोजन? भोपाल हाट में हो रहा है। प्रशिक्षण के साथ में प्रत्यक्ष निर्माण प्रदर्शन ये हमने रखा है वहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो वहीं पर बनेगी और वहीं बिकेगी। तो बहुत सारे ग्राम शिल्प हम बीच में बना रहे हैं, बाकी तो जो स्टॉल्स लगेंगे सभी के, तो ग्राम शिल्प एक बीच में लगाएंगे, उसमें हम लोग जो खुद बना रहे हैं उन्हीं को रखेंगे, उनका माल भी रखेंगे, तो कस्टमाइज करके
जो जिसको जैसा चाहिए वो वहाँ पर खरीद सकता है और प्रशिक्षण भी ले सकता है। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं इसमें सम्मिलित हुई? पूरे 12 जिलों से महिलाएं आई है, मध्य प्रदेश का ही है पूरा, 12 जिलों से महिलाएं और शिल्पकार पुरुष भी हैं। करवा चौथ का उत्सव हम मनाएंगे क्योंकि बीच में करवा चौथ आया, बाहर से भी लोग आए तो उस दिन फ्री में मेहंदी लगाएंगे सबको। कहाँ पे आयोजन? भोपाल आपने ही है। मैं रेणु नायक हूँ, लघु उद्योग भारती महिला इकाई की सचिव हूँ और 23 तारीख से 27 तारीख जो हम लोग भोपाल हाट में मेला लगा रहे हैं, स्वयं सिद्धा हमारा एक ब्रांड नेम हम लोगों ने कर रखा है जिसके तहत हम लोग हमेशा प्रदर्शनियाँ करते हैं, उसमें हमारा उद्देश्य होता है लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और उसमें भी खास तौर से जिसमें महिलाएँ जुड़ी हुई हैं जो अपने घरों से या छोटी दुकानों से अपना काम कर रही हैं, उन लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, उसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले रहेंगे उसमें खासियत यही है कि वो सब हमारे खुद के ही बनाए हुए उत्पाद हैं, किसी और से खरीद के ट्रेडिंग का काम हम लोग नहीं करते हैं, सभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, भले वो छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हो। कहीं भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है जी? आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया और इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है उसका उद्देश्य ये होता है कि स्वदेशी को बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर बनाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये इस चीज़ का हम लोग काम करते हैं।